वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेज़न प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई मलयालम फिल्म यानी कि भ्रमम के बारे में, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे पृथ्वीराज सुकुमारन, उन्नी मुकुंदन, राशि खन्ना और ममता मोहनदास। ये फिल्म जो है बॉलीवुड फिल्म अंधाधुन की ऑफिशियल मलयालम रीमेक है और पिछले एक महीने के अंदर अंदर ही हमारी द्वारा देखी जा रही ये दूसरी ऐसी फिल्म है जो अंधाधुन की रीमेक है, जिसे देखने के बाद मैं कहना चाहूंगा कि मैं अब इसकी कोई भी आने वाली रीमेक को नहीं देखने वाला हूं। सच बता रहा हूं, मैं अब इसकी कोई भी आने वाली किसी भी भाषा में इसका रीमेक बने मैं अब नहीं देखने वाला हूं। अब मैं थक चुका हूं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो रीमेक का सिलसिला है अंधाधुन फिल्म का, वो यहां पर रुकने वाला नहीं है। इसके तमिल रीमेक राइट्स भी ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। जो प्रशांता एक्टर हैं, उनके पिताजी ने इसकी रीमेक राइट्स को खरीदा है, वो और अपने बेटे को ही उसमें कास्ट कर भी रहे हैं। तो मैं अब इसके किसी भी रीमेक को नहीं देखने वाला हूं, क्योंकि कल रात को जब मैं इस फिल्म को देखने बैठा तो कहीं ना कहीं दिल के अंदर एक उम्मीद थी कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से ये फिल्म आ रही है, तो शायद ये फिल्म जो है वो जो डार्क ह्यूमर है, डार्क कॉमेडी है, जो थ्रिल है, उसे क्रिएट करने में कामयाब होगी। पर ऑनेस्टली कहूं, फिल्म जो है उतनी अप टू द मार्क नहीं जा पाती है। हाँ, ये कह सकता हूं कि जो तेलुगु रीमेक बनी थी उसके कंपेयर में कुछ पोर्शंस में फिल्म जो है इंप्रेस कर पाती है, पर कहीं पर भी वो फील आपको देने में कामयाब नहीं होती है जिसे आप अंधाधुन देखते वक्त महसूस करते हो। तो सबसे पहले बात करें इस फिल्म के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, तो कहना चाहूंगा कि जो परफॉर्मेंसेस है यहाँ पे लीड कैरेक्टर्स की, उनमें कुछ पॉजिटिव्स है, कुछ नेगेटिव्स है। जहां पर कहना चाहूंगा कि पृथ्वीराज सुकुमारन का जो रोल है वो मुझे फिल्म के अंदर अच्छा लगा, उन्होंने जो कैरेक्टर वहां पे प्ले किया है वो मुझे काफी इंप्रेसिव लगा। कह सकते हैं कि उस कैरेक्टर के अंदर जो एक ह्यूमर था, जो सब चीजें हमने देखी थी वहां पर अंधाधुन फिल्म के अंदर, उस लेवल पे तो नहीं जा पाए हैं, पर कहीं ना कहीं उतना अच्छी तरीके से परफॉर्म किया तो है कि आपको इंप्रेस कर पाए। इसके अलावा ममता मोहनदास का भी काम जो है इस फिल्म के अंदर मुझे काफी अच्छा लगा। पर फिल्म के अंदर राशि खन्ना को क्यों कास्ट किया गया है मुझे समझ नहीं आ रहा था। तेलुगु रीमेक के रिव्यू के वक्त मैंने कहा था कि नभा नतीश की जो कास्टिंग है वो परफेक्ट थी, पर उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी। पर यहां पे तो मैं कहूंगा कि यहां पे कास्टिंग ही गड़बड़ हुई है। मतलब यहां पे ऐसा लगेगा कि राशि खन्ना का पूरी फिल्म के अंदर आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि उनका कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वहां पर राधिका आप्टे ने जो इंपैक्ट छोड़ा था अपनी परफॉर्मेंस के द्वारा, वो कोई भी एक्ट्रेस अपने परफॉर्मेंस के द्वारा क्रिएट कर ही नहीं पा रही है। दो फिल्में हम देख चुके हैं, उसे कोई भी क्रिएट नहीं कर पा रहा है। और दूसरी चीज उन्नी मुकुंदन को पूरी फिल्म के अंदर इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि उनको देखकर कहीं पर भी ऐसा लगता ही नहीं कि बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर है, उनको देखकर सिर्फ हंसी ही आती है। पूरी फिल्म में इसी तरह से उन्हें प्रेजेंट किया गया है कि उन्हें देखकर आपको सिर्फ और सिर्फ हंसी ही आएगी। पता नहीं कॉमेडी पर्पस के लिए उन्हें ऐड किया गया है कि क्या है क्यों पता नहीं, पर उस कैरेक्टर को इस फिल्म में कहीं पर भी उतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया है। इसके अलावा फिल्म के अंदर कह सकते हैं कि फिल्म जो है पूरी की पूरी फ्रेम टू फ्रेम रीमेक है। तेलुगु रीमेक जो आई थी उसमें कुछ चेंजेस थे, यहां पे बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस हैं जो कि पता भी नहीं चलेंगे, और कह सकते हैं कि पूरी तरह से देखोगे तो फ्रेम टू फ्रेम रीमेक ही नजर आती है। तो उसमें मैं कहूंगा कि कुछ ऐसे सीन्स थे, खास करके वो सीन उन्नी मुकुंदन यहाँ पे पृथ्वीराज सुकुमारन को उसके घर पे मारने जाते हैं, तो वो जो सीन वहां पे पिक्चराइज किया गया है उसका जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि बहुत अच्छा हुआ है। इसके अलावा जब फिल्म खत्म होने की ओर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं फिल्म जो है जो चीजें जो कहने की कोशिश करती है एक कैरेक्टर के प्रति, जो चीजें यहाँ पे डिलीवर करने की कोशिश करती है, वो चीजें मैं कह सकता हूँ कि काफी एक डिसेंट वे में कन्वे कर जाती है ये फिल्म। अदरवाइज फिल्म जो है ओवरऑल उस टाइप का इंपैक्ट जो है क्रिएट नहीं कर पाती है। इसके अलावा फिल्म में कुछ सीन्स को पूरी तरह से हटा ही दिया गया है और उनके जगह जिन सीन्स को ऐड किया है वो कुछ बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंट इंपैक्ट यहां पे कहानी में नहीं डाल पाते हैं। बाकी चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पे खरगोश की जगह एक जो जंगली सुअर होता है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, वो देखने को मिलता है। इसके अलावा जो वहां पर ऐश्वर्या राय की फोटो थी जिसे तेलुगु रीमेक में ऐश्वर्या राय को भी नहीं चेंज किया, तो यहां पे मलयालम में उन्होंने ऐश्वर्या राय को चेंज करते हुए नयनतारा को ऐड कर दिया है। तो ये कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और कुछ सीन्स कट किए गए हैं। बाकी वो बहुत ज्यादा बात मैं नहीं कर सकता हूं इस फिल्म के बारे में, मैं समझ भी नहीं आता कि क्या कितनी बात करूं। बाकी कह सकते हैं कि लुक एंड फील वाइज कह सकते हैं कि हां, थोड़ी अंधाधुन की जो लुक एंड फील थी उसे भी क्रिएट करने में कामयाब रहती है ये फिल्म। और यही नहीं, ये शायद ऐसा हो सकता है कि जिसने अंधाधुन तेलुगु रीमेक नहीं देखी होगी उसके लिए वो काम कर भी जाए, क्योंकि जो थ्रिलर का जो एक सबसे मतलब एक कह सकते हैं कि थ्रिलर फिल्मों की जो एक रीमेक बनती है उसका यही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है कि वो जो थ्रिल ओरिजिनल वर्जन में क्रिएट
क्रिएट किया जाता है उसे यहाँ पे रीमेक वर्जन में क्रिएट भले ही कर दे, पर जिसने ओरिजिनल देखी है उसके लिए वो थ्रिल वो टेंशन जो है कहीं पर भी काम नहीं करने वाली है, और शायद ऐसा मेरे केस में भी हो सकता है। तो जिसने अंधाधुन की रीमेक ना देखी हो उसके लिए शायद हो सकता है कि वो चीजें काम कर जाए। बस बाकी मुझे फिल्म जो है बहुत ही ओके लगी। इसके अलावा कल एक और चीज मुझे पता चली जो कि मेरे लिए थोड़ी सी शॉकिंग और थोड़ी सी फनी थी, वो ये थी कि इस फिल्म को ये लोग हिंदी में ला रहे हैं। जी हाँ, भ्रमम फिल्म की हिंदी डबिंग जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स ने ही यहाँ पे फिल्म को हिंदी में डब करवाया है। अब ये उसको टीवी में टेलीकास्ट करते हैं या फिर अमेजॉन प्राइम वीडियोस को ही यहाँ पे बेच देते हैं, वो तो वक्त आने पे पता चलेगा। पर फिल्म की डबिंग वगैरह जो है कंप्लीट हो चुकी है, तो देखते हैं हिंदी आ जाएगी। पर मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई भी इसके हिंदी डब वर्जन को देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। तो फिल्म जो है मुझे ठीक ठाक लगी, पर मैं कहना चाहूंगा कि मैं इसके आने वाले किसी भी रीमेक को अब नहीं देखने वाला हूं। मैं थक चुका हूं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अब किसी भी भाषा में इसका रीमेक ना बनाए। ये फिल्म जो है ऐसी फिल्म है जिसका रीमेक कितनी भी बार बना लो उस मैजिक को क्रिएट नहीं किया जा सकता है। तो ये था मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस यही तक था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।